Hello dear students, kaise hain aap? I hope you are doing well and enjoying your studies, isn't it? My name is Ancho and you are welcome to my channel. Chaliye shuru karte hain. Is video lecture mein hum log janenge nitrines kya hoti hain, inki structure kaisi hoti hain aur kin kin reactions mein nitrines ki formation hoti hai. कार्बिन के नाइट्रोजन एनालॉगस को नाइट्रिन्स कहा जाता है. अब बात करते हैं नाइट्रिन्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स की. नंबर वन, अगर नाइट्रिन में नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका फॉर्मल चार्ज जीरो होने के कारण ये न्यूट्रल होती है. इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इस आर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं और नाइट्रोजन के पास टोटल 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसके साथ साथ नाइट्रीन मोनोवेलेंट होती है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं. नंबर सेकंड, अगर नाइट्रीन के नाइट्रोजन पर इन 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें से एक पेयर नॉर्मल लोन पेयर होता है जो नाइट्रोजन से एसोसिएटेड होता है और बाकी बचे हुए ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर और अनपेयर होने पर डिफरेंट टाइप की नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है. नंबर थर्ड, यहाँ आर की वैल्यू अगर एच हो तो ये हमारे पास पेरेंट नाइट्रीन कहलाती है और इसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं. जैसे अगर मान लीजिए आर की वैल्यू कोई एल्काइल ग्रुप रखी जाए तो ऐसी नाइट्रीन को एल्काइल नाइट्रीन कहा जाएगा. अगर आर की वैल्यू एसाइल ग्रुप रखा जाए तो इसे हम एसाइल नाइट्रीन कहेंगे. इसी तरह अगर मान लो फिनाइल रखा जाए तब इसे फिनाइल नाइट्रीन कहते हैं. अगर कार्बिन्स की स्ट्रक्चर को रिकॉल किया जाए तो हमने दो तरह की कार्बिन्स पढ़ी थी, एक सिंगलेट कार्बिन्स होती हैं और एक ट्रिपलेट कार्बिन्स होती हैं. इसी तरह से नाइट्रीन के नाइट्रोजन एटम पर टोटल 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होता है और बाकी बचे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बेस पर नाइट्रीन्स की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो अलग स्ट्रक्चर होती है और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो अलग स्ट्रक्चर होती है. नंबर 5, इसके बेस पे नाइट्रीन की कार्बिन की तरह ही 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एक सिंगलेट नाइट्रीन होता है, एक ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है. अगर सिंगलेट नाइट्रीन की बात की जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है, बाकी बचे दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर किए होते हैं, इस कारण से इसमें एक p ऑर्बिटल वेकेंट रहता है. जबकि ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात की जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और इसमें एक नाइट्रोजन का पेयर होता है, बाकी बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, यानी इसमें पेयरिंग ना होकर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहते हैं. इसलिए ट्रिपलेट नाइट्रीन डाई रेडिकल की तरफ बिहेव करता है. इन सभी प्रॉपर्टीज के बेस पे सिंगलेट नाइट्रीन्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरह से ट्रिपलेट नाइट्रीन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी नाइट्रीन जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता हो और जिसमें p ऑर्बिटल खाली हो, इसे हम सिंगलेट नाइट्रीन क्यों कहते हैं, और इसी तरह ऐसी नाइट्रीन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो, इसे हम ट्रिपलेट नाइट्रीन क्यों कहते हैं. अगर नाइट्रीन की स्ट्रक्चर को कार्बिन की स्ट्रक्चर के साथ कोरिलेट करें तो उसके वीडियो में हमने देखा था कि कार्बिन की स्ट्रक्चर भी 2 तरह की होती है, कार्बिन सिंगलेट भी होती है और ट्रिपलेट भी होती है. सिंगलेट और ट्रिपलेट नाम इनकी मल्टीप्लिसिटी या स्पिन स्टेट के कारण होता है और उसी वीडियो में हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिटेल में डिस्कस किया था. इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रीन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होने के कारण इसे सिंगलेट नाइट्रीन कहा जाता है और इस नाइट्रीन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होने के कारण इसे ट्रिपलेट नाइट्रीन कहा जाता है. नंबर 6, अगर ट्रिपलेट और सिंगलेट नाइट्रीन का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ट्रिपलेट नाइट्रीन की जो एनर्जी कंटेंट होते हैं वो कम होते हैं, इसी कारण से ट्रिपलेट नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है और इसकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन यही होता है कि ट्रिपलेट नाइट्रीन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, अलग अलग ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. नंबर 7, अगर हम पेरेंट नाइट्रीन की बात करें तो इसको हम इमिडोजन, एजीन या आइमीन भी कहते हैं. अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू नाइट्रीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है. इसमें सबसे फेमिलियर मेथड होता है बाय एजाइड. अब मान लो हमारे पास कोई एजाइड है जिसका फोटोलाइटिक या थर्मोलाइटिक क्लीवेज किया जाए, यानी या तो उसका फोटोलिसिस किया जाए या फिर उसको थर्मोलिसिस किया जाए. ऐसी कंडीशन में एजाइड के थ्रू नाइट्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाती है और इससे नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है. बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इससे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और रिएक्शन के सेकंड स्टेप में
यहाँ से नाइट्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नाइट्रोजन गैस एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाती है और इससे नाइट्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। नंबर सेकेंड, इसी तरह से आइसोसाइनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू भी नाइट्रिन की फॉर्मेशन हो सकती है। इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलती है और इससे नाइट्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। जनरली इस रिएक्शन में आर की वैल्यू एराइल होती है, यानी कि इससे एराइल या फिनाइल नाइट्रिन की फॉर्मेशन होती है। नंबर थर्ड, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जब सल्फीनाइल अमीन्स को हीट किया जाता है, यानी इसके थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू भी हम नाइट्रिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन में सल्फर मोनोऑक्साइड एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलती है और जनरली इस रिएक्शन में आर की वैल्यू एराइल या फिनाइल होता है, जिससे फिनाइल नाइट्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। नंबर फोर, इसी तरह से 1-1 एलिमिनेशन के थ्रू भी हम नाइट्रिन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कोई ग्रुप X जुड़ा हुआ है, X यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप होता है। जब ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन ट्राइथलामीन जैसे बेस के साथ करवाते हैं तो पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होती है और ये ट्राइथलामीन बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ट्राइथलामीन बेस इसके कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन के अगले स्टेप में यहाँ से एक एक्स नेगेटिव रिलीज होता है और जिसके कारण फाइनली हमारे पास नाइट्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं नाइट्रिन की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन की। नंबर वन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन नाइट्रिन की एल्कीन के साथ होती है और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल एल्कीन की कार्बिन के साथ साइक्लोएडिशन रिएक्शन जैसा होता है, जिसको हम कार्बिन के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई हमारे पास एल्कीन है, जब इसकी रिएक्शन नाइट्रिन के साथ करवाई जाती है जो हमारे पास फंडामेंटल नाइट्रिन हो यानी अमीन के साथ जब करवाई जाती है तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये नाइट्रोजन यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, जिससे दो सिग्मा बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन एटम जुड़ जाता है और बनने वाले इस कंपाउंड को हम एजेरिडीन या फिर इथीन आइमीन कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सिस या ट्रांस एल्कीन है तो ऐसी कंडीशन में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास नाइट्रिन सिंगलेट है या फिर नाइट्रिन ट्रिपलेट है। अगर मान लीजिए किसी एल्कीन की रिएक्शन जो सिस या ट्रांस हो सिंगलेट नाइट्रिन के साथ करवाई जाती है तो ऐसी रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि ऐसी रिएक्शन को हम कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें बॉन्ड बनना और टूटना साइमल्टेनियसली होता है। इस कारण से ऐसी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। यहाँ स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ये है, अगर हमारे पास सिस एल्कीन दी गई है तो इससे सिस प्रोडक्ट बनता है और अगर ट्रांस एल्कीन होती है तो उससे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। सिस एल्कीन में ये नाइट्रिन कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाती है कि इससे हमारे पास सिस प्रोडक्ट बन जाए। अगर हमारे पास कोई ऐसी नाइट्रिन हो जो ट्रिपलेट नाइट्रिन हो और उसके साथ इस टाइप की रिएक्शन स्टेप वाइज मैकेनिज्म के थ्रू होती है, जिसे हम नॉन कॉन्सेंट्रेटेड मैकेनिज्म कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाती है। यानी अगर हमारे पास सिस एल्कीन है तो ऐसी नाइट्रिन के साथ रिएक्शन होने पर सिस के साथ साथ ट्रांस प्रोडक्ट भी बनता है और अगर ट्रांस एल्कीन होती तो उसमें ट्रांस के साथ साथ सिस प्रोडक्ट भी बनता। यहाँ पे आपको एक चीज ये नोट करनी है कि इन दोनों रिएक्शन को हमने बगैर मैकेनिज्म डील कराया। अगर दोनों रिएक्शन के रिगार्डिंग आप मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं तो कार्बिन के वीडियो में इन दोनों रिएक्शन के डिटेल मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया है, तो आप जीओसी की प्लेलिस्ट में जाकर कार्बिन के वीडियो को देखकर इसके डिटेल मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक के डिस्कशन में एक चीज हमको ये क्लियर हो गई कि नाइट्रिन और कार्बिन दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इनमें सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होते हैं। एक में कार्बन प्रेजेंट होता है और दूसरे में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी नेम रिएक्शन है या रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनता है और इनमें रीअरेंजमेंट के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमने टोटल 5 नेम रिएक्शन को मेंशन किया है जिनको ए से ई तक की मार्किंग दी गई है। ये सभी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इस पे माइग्रेशन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। चूंकि इन सभी रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट के दौरान डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनमें से मेंशन किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन रिएक्शन को देख सकते हैं। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको नाइट्रिन इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप नाइट्रिन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पैरेलल कार्बिन के वीडियो के साथ देखना है, और अगर इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को आप देखना चाहते हैं तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग या फिर नाइट्रिन के रिगार्डिंग आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।